सो हेलो गाइस, माय नेम इज वंश कश्यप, आपका मेरे चैनल द टेक्निकल वंश में बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज का वीडियो का टॉपिक है, अगर आप भी यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी अपना YouTube चैनल ग्रो करना है और YouTube से अर्निंग करनी है तो मैं आपको कुछ सेटिंग बताऊंगा। अगर वो आपने कर ली तो आपका चैनल ग्रो होएगा और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपकी अर्निंग भी होएगी। तो नंबर वन, सबसे पहले जो आप वीडियो का कंटेंट रखते हैं वो अपने मन से कुछ भी डाल देते हैं और कुछ भी वीडियो बना देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी वीडियो की कैटेगरी होती है, जो आप जैसे मेरी कैटेगरी है टेक्निकल से जो बड़ा YouTube चैनल है उसकी YouTube चैनल पे जा करके और आपको वीडियो ढूंढनी है, जो सबसे ज्यादा व्यूज आ रखे हैं उसी के कंटेंट पर आपको वीडियो बनानी है। और नंबर टू, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो रहता है थंबनेल, अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा तो वीडियो पे कोई क्लिक करेगा और व्यूज आएंगे और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और अर्निंग होगी। और मैं गाइस बता दूं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube से लाखों में अर्निंग कैसे कर सकते हैं, तो और वीडियो एंड तक जरूर देखना। और नंबर थ्री, जो आप वीडियो अपलोड करते हैं वो वीडियो गलत तरीके से अपलोड करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। तो अब मैं चलता हूँ अपने फोन की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको प्लस पर आइकन पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे अपलोड अ वीडियो पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है जो आपको वीडियो अपलोड करनी है। जैसे मेरे को अपलोड करनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे को स्क्रॉल करके ऊपर ये वाली वीडियो अपलोड करनी है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके जो मेरा वीडियो का टाइटल है वो मैं यहाँ डाल लेता हूँ। मैं अभी सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। और यहाँ आपको दो तरीके से आपको लिख लेना है, यहाँ पे डंडा खींचे बीच में और यहाँ पे दो तरीके से लिख लेना। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लिख लिया सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं और दूसरा मैंने लिख लिया है यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो आपको वैसी दो तरीकों से यहाँ लिख लेना है। आपको हैशटैग भी लगा लेना है, देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ हैशटैग लगा रहा हूँ, यहाँ पे हैशटैग लगा के आपको यूट्यूब लिखना है सबसे पहले, तो देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ आपको हैशटैग दोबारा लगा के यहाँ पर आपको लिख लेना है वायरल, देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको यहाँ लिख लेना। और फिर हैशटैग लगा के आपको लिख लेना यूट्यूब वीडियोस, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा दिया। और यहाँ आपको स्पेस थोड़ा दे देना है, देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ स्पेस दे दिया है। और यहाँ मेरे को कर लेना ये डिस्क्रिप्शन ओपन करके, ये टेक्स्ट पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, देख सकते हैं जैसे मैंने कॉपी कर लिया है और वहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ थोड़ा गैप देकर यहाँ मैं लिख देता हूँ योर क्यूरीज, देख सकते हैं आपको भी ये लिखना है। और थोड़ा गैप देकर जो आपकी वीडियो के कंटेंट है बहुत सारे वो आपको यहाँ लिख लेना है। जैसे मेरी वीडियो कंटेंट है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और आपको दो तीन चार पाँच जो भी है आपको यहाँ लिख लेना है, देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिख लिया है। और यहाँ बैक आकर यहाँ कर देना आपको अपलोड वीडियो पे, यहाँ पे आपको कर लेना है। और यहाँ विजिबिलिटी आपको अनस्टिल रखनी है और यहाँ पे कर लेना आपको अपलोड, देख सकते हैं यहाँ अपलोड हो गया है। और आपको वापस बैक आकर और यहाँ पे अपना YT स्टूडियो आप ओपन कर लेना है और यहाँ कंटेंट पे जाकर यहाँ ऊपर देख सकते हैं वो वीडियो आ गई है, वीडियो पे क्लिक करके। और वहाँ ऊपर पेंसिल का आपको आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कर कर और ये थोड़ा ऊपर करके और ये आपको फिर से पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके और यहाँ आपको लगा लेना आपका थंबनेल। यहाँ थोड़ी लोडिंग हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ थंबनेल आ गया और यहाँ पे आप कर लेना इसे डन। और ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको टेक्स्ट डालना जो आपकी वीडियो का कंटेंट के उसी रिलेटिव आपको टेक्स्ट डाल लेना, जैसे मेरा सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। आपको दो तीन यहाँ पे डाल लेने हैं अलग अलग, देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ वैसे आपको यहाँ डाल लेने हैं। जैसे मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, और यहाँ फिर बैक आकर ये आपको कर लेना सेव, देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ सेव कर लिया वैसे आपको यहाँ सेव कर लेना है। और यहाँ पे बैक आकर यहाँ आपको डाउनलोड करने पड़ेगा vidIQ ऐप, और यहाँ ओपन करने के बाद वो वीडियो लेकर के और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टैग्स आ गए हैं। यहाँ पे प्लस पर क्लिक करके और यहाँ आपको पब्लिक्स पे क्लिक कर लेना है, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते वैसे आपको यहाँ कर लेना है। यहाँ थोड़ी लोडिंग लेगा, फिर से तीन आएंगे, फिर से आपको कर लेना है जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक ये आपको करने पड़ेंगे, देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ कर रहा हूँ पब्लिक करने पड़े हैं आपको, ये तीन तीन आते रहेंगे, तीन तीन आपको यहाँ करने हैं। और यहाँ आपको बैक आकर फिर YT स्टूडियो आपको ओपन कर लेना अपना, और यहाँ YT स्टूडियो में आकर कंटेंट पर जाकर और ये आपको उसी वीडियो पे क्लिक कर लेना है। और आपको यहाँ पे पेंसिल पर आइकन पे क्लिक करके और यहाँ आपको इसे कर लेना है पब्लिक, क्योंकि देख सकते हैं आपकी वीडियो पब्लिक हो गई है।
ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताया, अगर ये आपने फॉलो कर लिया तो 100% आपका चैनल ग्रो होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब से अर्निंग कैसे की जाती है। तो जो आपका टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, वो आपको बड़ा रखना, क्योंकि जितना बड़ा आपका टारगेट होगा उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और सफलता ऐसे नहीं मिल जाएगी आपको, सफलता के लिए आपको मेहनत करनी होगी, वीडियो अपलोड करनी होगी, अच्छी अच्छी वीडियो कंटेंट पकड़ के वीडियो बनानी होगी, और थंबनेल अच्छे बनाने होंगे, और मेहनत करनी होगी, जब आपको सफलता मिलेगी और एक ना एक दिन आपकी लाखों में अर्निंग जरूर होगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक वीडियो दो वीडियो अपलोड करके उनकी वीडियो पे व्यूज नहीं आते, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। जो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, वो आपने कहावत तो सुनी होगी, सबर का फल मीठा जरूर होता है। जितना आप सबर करेंगे और अपनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको मीठा फल मिलेगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।